उधर अतीक की गाड़ी पलटने ही वाली थी तभी कूद कर भागा अमृतपाल। खेतों में शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। अतीक अहमद को उम्र कैद, अब खालिस्तानी अमृतपाल का होगा सफाया। पंजाब से दिल्ली तक बड़ी हलचल। यूपी पुलिस जब इधर अतीक अहमद को लेकर गुजरात पहुंच रही थी, उधर अचानक से अमृतपाल सिंह नाका तोड़कर भागा और पुलिस के निशाने पर आ गया। जिस खालिस्तानी अमृतपाल को पंजाब पुलिस पिछले 15 दिन से जमीन और आसमान में खोज रही थी, उसका पता चल गया है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है। पंजाब अलर्ट पर है और कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। अतीक अहमद का काफिला तेजी से गुजरात की साबरमती जेल की तरफ बढ़ रहा है, जहां अतीक के लिए एक काल कोठरी इंतजार कर रही है। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद अतीक अहमद अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है, ताकि पुलिस उसे पागल और दिवालिया समझकर उसका एनकाउंटर न करे। ये आखिरी मौका है जब माफिया की गाड़ी किसी भी वक्त पलट सकती है। लेकिन अब पंजाब में अतीक से पहले खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह निपटने वाला है। दिल्ली से अमित शाह के आदेश के बाद 18 मार्च को अमृतपाल को गिरफ्तार करने का प्लान तैयार हुआ था। पुलिस की भारी फोर्स उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया था। लगातार गाड़ियां बदली, बाइक की सवारी की और देखते देखते गायब हो गया। पिछले कई दिनों से पंजाब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पंजाब पुलिस को लग रहा था कि अमृतपाल नेपाल पहुंच गया है, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर पंजाब में ही छुपा हुआ था। मीडिया और अखबार अतीक अहमद पर बिजी हो गए थे। इसका फायदा अमृतपाल ने भी उठाया और छुपता रहा। सूत्र बताते हैं खुद भगवंत मान सिंह ने अमित शाह से बात की है और सेना भेजने के लिए कहा है, ताकि खालिस्तानियों का अब पूरी तरह से सफाया किया जा सके। बताया जा रहा है कि 28 तारीख की रात, जब अतीक अपनी जिंदगी का शायद आखिरी सफर कर रहा था, उसी दौरान अमृतपाल होशियारपुर में घूम रहा था। पुलिस की नजर जब उस पर पड़ी तो पुलिस का नाका तोड़कर भागने लगा। उसके साथ उसका साथी पंपल प्रीत भी भागा है। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब के मनैया गांव के आसपास खेतों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त अतीक अहमद के एनकाउंटर से भी ज्यादा अमृतपाल सिंह को ठिकाने लगाना क्यों जरूरी है, इसे समझिए। करीब 4 दशक बाद अमृतपाल ने फिर से खालिस्तान की आग लगाई है। ये नेटवर्क भारत से लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। खालिस्तानी आतंकी हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद भी अमृतपाल को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। अमृतपाल को लेकर कहने को तो सिर्फ पंजाब में बवाल है, लेकिन नैरेटिव पूरी दुनिया में सेट किया जा चुका है। कनाडा से लेकर लंदन तक खालिस्तानी समर्थकों ने जिस तरह से अमृतपाल के समर्थन में प्रदर्शन किया, पूरी दुनिया से खालिस्तानियों को खत्म करना बहुत जरूरी हो गया है। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब में फिर से ऑपरेशन एक्टिव हो चुका है। अगले कुछ घंटे में सेना भी मोर्चा संभाल सकती है, और अगर ऐसा होता है तो अमृतपाल का खात्मा निश्चित है। जहां से अमृतपाल भागा है वहां आसपास के खेतों में भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसका मतलब ये कि अतीक अहमद के बाद अब अमृतपाल को लेकर भी कोई बड़ी खबर कभी भी आ सकती है। अमृतपाल का मुठभेड़ में एनकाउंटर भी हो सकता है और पकड़े जाने पर उम्र कैद की सजा मिल सकती है। लेकिन क्या आपको भी लगता कि बहुत हो गया इंतजार, अब खालिस्तानियों को पूरी तरह से सफाया कर देना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।